हेलो दोस्तों, आज हम फ्लेमिंगो का पहला लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसको लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको ऑथर के बारे में बताता हूँ, अबाउट द ऑथर, जो कि कौन है। अल्फोंसे डॉडट। अल्फोंसे डॉडट वाज बॉर्न इन 1840 एंड डाइड इन 1897। वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये फ्रेंच नोवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी लेखक भी थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रशियन वार। ये जो लास्ट लेसन है, जो फ्रेंको प्रशियन वार हुआ था, जो कि 1870 से 1871 तक चला था, इन विच फ्रेंस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस को प्रूसिया के द्वारा हरा दिया गया था, जो कि बिस्मार्क के द्वारा लेड था, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क ने किया था। प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उस समय जो प्रूसिया थी, वो आज के कौन कौन से देश हैं? जर्मनी, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया के पार्ट्स भी हिस्से हैं। तो इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स। तो इस कहानी में क्या है कि जो फ्रेंच के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, जिनका नाम एल्सेस और लॉरेन था, वो प्रूसियन के हाथों में चले गए, उन्होंने क्योंकि उसको जीत लिया था। नाउ रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो अब इस स्टोरी को पढ़िए और देखिए कि स्कूल लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अब असली मुद्दे पर आते हैं, अब वर्ड बाय वर्ड इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, इसका जो स्टोरी टेलर है उसका नाम फ्रेंच है। फ्रेंच क्या कह रहा है देखते हैं शुरू से। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग, एस्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। तो कहता है कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए देर से चला और मुझे डांटे जाने का डर था। स्कॉल्ड कहते हैं डांटने के लिए, क्योंकि बिकॉज एम हेमल ने उनसे कहा था कि वो पार्टिसिपल के बारे में हमसे प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और फ्रेंड्स कहता है कि मैं उसके बारे में पहला अक्षर भी नहीं जानता था, पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण तक तो मैंने सोचा कि वहाँ से भाग जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और दिन बाहर ही बिताऊँ जा करके। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बहुत तेज़ गर्मी थी, धूप भी बहुत तेज़ थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो पक्षी थे वो जंगल के जो किनारे, एज कहते हैं किनारे के लिए, जंगल के किनारे पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल कहते हैं आरा मशीन के लिए, आरा मशीन का मतलब जहाँ पर लकड़ियाँ काटी जाती हैं, और आरा मशीन का जो पिछला खुला हुआ स्थान था, द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, तो वहाँ पर जो प्रशियन सोल्जर्स थे, सैनिक जो थे, वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। और एक बात और थी क्या, कि यह जो सब था वो पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा बहुत अधिक अच्छा लगने वाला था उनकी अपेक्षा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर अपने आप को रोकने की क्षमता थी, शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, इसलिए मैं क्या हुआ कि अपने आप को रोक करके स्कूल की तरफ भागा। आई पास्ड द टाउन हॉल, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ खड़ी हुई थी। फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। पिछले दो वर्षों के दौरान हमारी सभी जो बुरी खबरें थीं वो वहीं से आ रही थीं, अर्थात वो बुलेटिन बोर्ड ही देता था, जिसमें हारे हुए युद्ध, द लॉस्ट बैटल्स, ड्राफ्ट और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश आदि होते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके खुद ही सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है, अब कौन सी बात हो सकती है। देन एज आई हरीड एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अपरेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। तब क्या होता है कि मैं जितना तेज भाग सकता था उतना भागा, और जो लोहार था, ब्लैक स्मिथ जो था, वो जो जिसको देख रहा था वहाँ पर, वो अपने अप्रेंटिस के साथ, अर्थात अपने सहायक के साथ खड़ा हुआ था।
उसने बुलेटिन बोर्ड को पढ़ते हुए मेरे पीछे से आवाज़ दी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि इतना तेज़ मत भागो, तुम अपने स्कूल में काफ़ी समय में जा सकते हो, देर नहीं है तुम्हें। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा, मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं हाँफता हुआ एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुँच गया। यूजुअली वैन स्कूल बिगेन देयर वॉज ए ग्रेट बसल, प्राय क्या होता था जब स्कूल शुरू होता था तो बसल कहते हैं हलचल के लिए, तो एक बहुत बड़ी हलचल वहाँ पर हुआ करती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको गली में भी बाहर सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों का खुलना और बंद होना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, और एक साथ जो पाठ होते थे उनको मिलकर के दोहराए जाने की आवाज़, वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, बहुत ज़ोर से, मानो हमारे जो हाथ हैं हमारे कानों के ऊपर कुछ ज़्यादा समझने के लिए। और क्या होता था, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक का डंडा मेज पर बजता हुआ, इन सब की आवाज़ सुनाई देती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब वहाँ पर बहुत ही सब कुछ बहुत ही स्टिल था, शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैंने हमेशा बिना दिखे हुए अपने डेस्क पर पहुंचने के लिए हमेशा मैं किसका भरोसा करता था, शोर के भरोसे रहता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन वास्तव में क्या था, सब कुछ इस प्रकार से शांत था जिस प्रकार से रविवार की सुबह को शांत होता था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड मिस्टर एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, तो जब मैंने विंडो में से देखा तो मैंने अपने जो क्लासमेट्स थे उनको पहले से ही वहाँ पर उपस्थित देखा, और जो कि एम हेमल जो थे वो इधर उधर अपने जो उनका आयरन का रूलर था, जो उनका रूल था, कहने का मतलब उनका जो डंडा होता था, वो जो लोहे का डंडा था उसको अपने बाजू के नीचे लगाते हुए कमरे में इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने से होकर के ही अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, और कि मैं कितना ब्लस्ट माने शर्माना, कि मैं कितना शर्माया हुआ था, कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सोमी, एम हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता से कहा, बड़ी शालीनता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स जल्दी अपने जगह पर चले जाओ छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर जाकर के बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट कहते हैं डर के लिए, कि मेरा डर थोड़ा कम ही हुआ था, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, तो क्या देखा उसने, उसने देखा कि अध्यापक को उसने हरा कोट, उसकी जो फ्रिल्ड मीन्स झालर वाली शर्ट, और जो काली सिल्क वाली मखमली टोपी थी उसको पहने हुए देखा उसने। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और सभी जो थे वो कैसे थे, एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर कढ़ाई वाले थे, उन पर कढ़ाई हो रखी थी, जिनको वह निरीक्षण और जो इनाम वाले दिन होते थे जिस दिन इनाम बांटा जाता था उनको छोड़ करके वो कभी भी नहीं पहनता था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, जो पूरा स्कूल था बहुत ही अजीब और गंभीर प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, ओल्ड हॉजर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। तो एक और चीज़ क्या थी, अजीब बात क्या थी,
अजीब बात यह थी कि उन बेंचों पर जो हमारे देट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि सदैव खाली रहती थी, उन पर क्या था, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, गाँव वाले जो थे बिल्कुल हमारी तरह चुपचाप बैठे हुए थे, जिनमें ओल्ड हाउजर था, बूढ़ा हाउजर जो था, जिसकी विथ त्रिकोणार्ड हेड, जिसकी त्रिकोणी टोपी थी, भूतपूर्व मेयर था और डाकिया था, फॉर्मर जो भूतपूर्व डाकिया था, और उसके अतिरिक्त और कई सारे लोग वहाँ पर थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थंबड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। हाँ, और जो बूढ़ा हाउजर था, कहने का मतलब सभी कैसे बैठे हुए थे, पहले तो सभी एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी दुखी थे, और उसमें जो हाउजर था, बूढ़ा हाउजर, एक पुराना वो कायदा जिसको प्राइमर बोलते हैं, जिसमें फॉर्मूलाज लिखे होते हैं, उसको लेकर के आया था। उसने उसको कोनों को, एज को थंब करके, थपथपा करके सीधा किया और अपने घुटनों पर रख करके बड़ी ही बारीक नज़र से अपने चश्मों में से उस पर दृष्टि डाली। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही यूज्ड टू मी, और बिल्कुल उसी तरीके से, उसी गंभीर और उस भद्र आवाज़ में जो मेरे साथ वो प्रयोग करते थे, उन्होंने कहा, क्या कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, बच्चों ये अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरिन, ये जो एल्सेस और लॉरिन के स्कूल हैं उनमें केवल जर्मन को पढ़ाने का बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नया मास्टर आ रहा है, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एकदम सावधान होकर के सुनो मेरी बात को, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और वो शब्द मेरे लिए कितनी बिल्कुल कैसे तरह से बिजली की तरह कड़कने वाले, थंडर क्लैप, ओ द रैचिस दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो कहता अरे अच्छा, कितने वो कृतधन लोग हैं, यह वो था जो टाउन हॉल के सामने लिख रखा था, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का लेसन, वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो अभी मुश्किल से यह भी नहीं जानता था कि कैसे लिखा जाता है, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे और नहीं सीखना चाहिए, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे तब वहीं रुक जाना चाहिए, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, हैं, मुझे मेरे पाठ न सीखने का, मेरे पाठों को न सीखने का कितना बड़ा अफसोस था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, हाँ, तो पक्षियों के अंडे ढूंढने का या सार पर फिसलते हुए जाने के लिए, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल एगो सो हैवी टू कैरी, और जो मेरी किताबें थोड़ी देर पहले मुझे एक समस्या लगती थी, जो ले जाने में इतनी भारी थी, माई ग्रामर, जिसमें मेरी ग्रामर की किताब एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स और संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे पुराने दोस्त बन गए थे, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था, त्याग नहीं सकता था, एंड एम हेमल टू, और मैं एम हेमल को भी नहीं छोड़ सकता था, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और यह विचार कि वह अब दूर जा रहे हैं, एम हेमल अब हमसे दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं अब उनको फिर से कभी नहीं मिल पाऊंगा, देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, हैं, उसने मुझे उसके डंडे के बारे में, जो उनका रूलर था, रूल जो था, उसके बारे में मुझे सब कुछ भुला दिया, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और इस बात को भी भुला दिया उस विचार ने कि वह कितना क्रैंकी था, सनकी था, पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह पाठ जो था यह अंतिम पाठ के सम्मान में ही था, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि उन्होंने जो रविवार को पहने जाने वाले कपड़े थे वो पहन रखे थे, एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, तो मैं समझ गया कि जो गांव के वो जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो कमरे में पीछे
सीट्स पर क्यों बैठे हुए थे? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू. इसका मतलब ये था कि उन्हें भी दुख था दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो और ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए, ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस. और यह उनका हमारे अध्यापक को उसकी 40 वर्ष की सेवा के लिए धन्यवाद कहने का तरीका था. एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और उस देश के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था जो अब उनका नहीं रहा था. दैट वॉज देयर्स नो मोर, अब उनका नहीं रहा था वो. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं सब इस सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना कि किसी ने मेरा नाम पुकारा. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरा नंबर था सुनाने का. वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल ऑल थ्रो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक. पार्टिसिपल के जो नियम थे उस नियम को जोर से और स्पष्ट रूप से बिना गलती किए हुए बोल पाने के लिए मैं क्या नहीं दे चुका होता. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन मैंने अपने पहले शब्द ही मिला दिए और वहाँ पर खड़ा रहा. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, केवल डेस्क को पकड़े हुए खड़ा रहा. माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़कता रहा. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का साहस बिल्कुल नहीं हुआ. आई हार्ड एम हेमल से टू मी, और तो मैंने एम हेमल को मुझसे कुछ कहते हुए सुना. आई विल नॉट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. यू मस्ट फील बैड एनफ, क्यों? क्योंकि तुम काफ़ी बुरा महसूस करते होगे. सी हाउ इट इज़, हाँ देखो यह कैसे होता है. एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ बाह, प्रत्येक दिन हम रोज अपने आप से यही बाह, बाह का मतलब होता है कि किसी बात से असहमति व्यक्त करना. तो प्रत्येक दिन अपने आप से केवल यही बाह बोलते थे. आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, और क्या बोलते थे कि मेरे पास बहुत समय है. आई विल लर्न इट टूमोरो, तो मैं इसे कल याद कर लूँगा, सीख लूँगा. एंड नाउ यू सी वी आर वी हैव कम, और अब तुम देखो कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं. आह दैट द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टूमोरो. आह एल्सेस के साथ भी तो यही समस्या है, वह सीखना कल तक टालती रहती है. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और अब उन लोगों के पास यह कहने का अधिकार होगा आपसे. हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, है तुम यह कैसे है तुम फ्रांसीसी होने का केवल नाटक करते हो. प्रिटेंड माने नाटक करना, बहाना करना. एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम ना तो अपनी भाषा को बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन लिटिल फ्रेंच तुम सबसे बुरे नहीं हो. वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हमारे पास काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं बदनाम करने के लिए. रिप्रोच कहते हैं बदनाम करना, तो हम कहता है कि हमारे पास काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं. योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी पढ़ाई के बारे में इतने चिंतित नहीं थे. दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, वे तुम्हें खेत के काम पर भेजना चाहते थे, और एट द मिल्स या मिल में कारखाने में भेजना चाहते थे. सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ और पैसा आ जाए, कमाया जा सके. एंड आई अपने लिए भी कहता, प्रश्नवाचक सब वो चिन्ह है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन मार्क है. और मैं आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरा भी इसमें दोष रहा कुछ. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इन स्ट्रीट ऑफ लर्निंग और लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें प्राय मुझे अपने फूलों को पानी देने नहीं भेजा पढ़ाई करने के बजाय, तुमको फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया पढ़ाई करने के बजाय. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछलियाँ पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो कहता है कि क्या मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी नहीं की जब मैं मछलियाँ पकड़ने जाना चाहता था. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, तब एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में
एक के बाद एक बातें करता रहा, saying that it was the most beautiful language in this world, the clearest, the most logical, that we must gauge it among us and never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as they had the key to their prison. तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट और सबसे अधिक तर्कसंगत है, और हमें इसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए. गौज रक्षा करना होता है, और हमें इसे कभी भूलना भी नहीं चाहिए. क्यों? बिकॉज कहता है कि जब when a people are enslaved, जब लोग गुलाम बन जाते हैं, एक नस्ल गुलाम बन जाती है, as long as they hold fast to their language, और जब वो अपनी भाषा से चिपके रहते हैं, अपनी भाषा को बनाए रखते हैं, तो मानो they had the key to their prison, कि उनकी जो जेल है, जो प्रिजन है, उसकी चाबी उन्हीं के पास है, यदि वो अपनी भाषा को ढंग से जानते हैं. देन ही opened a grammar, उसने एक व्याकरण की किताब खोली तब, एंड रीड अस अवर लेसन, हमें अपना हमारा पाठ पढ़ाया. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि कितनी अच्छी तरीके से मैंने उस पाठ को समझा. ऑल ही सैड सीम्ड सो इजी, जो कुछ उसने हमें पढ़ाया समझाया बहुत ही इजी प्रतीत हुआ. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, और मैं सोचता हूँ कि इतना केयरफुली, इतना सावधानी पूर्वक मैंने कभी उसको नहीं सुना था. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और शायद उसने भी कभी इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं की थी, कोई चीज़ की इतनी व्याख्या नहीं की थी. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था लगभग मानो कि बेचारा व्यक्ति अर्थात एम हेमल जाने से पहले हमको सब कुछ सिखा देना चाहते थे. एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में उसको हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे. आफ्टर द ग्रामर, अब ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा लिखाई का पाठ था. दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल के पास हमारे लिए कुछ नई कॉपियाँ थीं, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हेड, जो कि बहुत ही सुंदर घुमावदार लिखाई के साथ, घुमावदार हाथ के साथ लिखी हुई थी. फ्रांस एलसेस, जिसमें फ्रांस एलसेस लिखा हुआ था. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और वो ऐसे प्रतीत होती थी मानो हमारी डेस्क के ऊपर एक डंडे से लटकी हुई हर जगह छोटे झंडी जैसी लग रही थी, हर जगह एक छोटी झंडी जैसी स्कूल में, जैसे कि हमारी डेस्क के ऊपर लगी हुई हों. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आपको देखना चाहिए था कि हर कोई कैसे अपने काम पर लगा हुआ था. एंड हाउ इट वॉज क्वाइट, और कितनी शांति थी वहाँ पर. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेंस ओवर द पेपर, है, और केवल साउंड किसकी आ रही थी? उस कागज़ के ऊपर पेन की स्क्रैचिंग की, केवल पेन चलने की आवाज़ आ रही थी. वंस सम बीटल्स फ्लू उन, कुछ कीड़े बीटल्स उड़ करके अंदर आ गए. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, और यहाँ तक कि जो छोटे थे उन्होंने भी बिल्कुल शांति बनाए रखी, जो उनके फिश हुकों को ट्रेस कर रहे थे, मानो कि वह भी फ्रेंच था. ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत पर जो कबूतर थे बहुत ही धीमी आवाज़ में बोल रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या वे इनको जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे, कबूतरों को भी सिखाएंगे. वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ हेम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, और जब मैंने अपनी लिखावट से नज़र हटाकर ऊपर देखा,
तो मैंने एम हेमल को अपनी कुर्सी पर बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल स्थिर बैठे हुए दिखाई दिया एंड गेजिंग फर्स्ट सेट वन थिंग, और एक के बाद दूसरी चीज़ को देखते हुए देखा, देन एट अनदर, तब और दूसरी को, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम, केवल इस चीज़ को, मानो वह इस स्कूल के कमरे की हर चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे। फैंसी, कल्पना करो, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन सेम प्लेस, कि 40 वर्ष से वो उसी जगह पर थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उनका बगीचा, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जस्ट लाइक दैट, तो बिल्कुल उसी तरह क्लास भी सामने ही थी, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल डेस्क और बेंच घिस करके चिकने हो गए थे, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, तो जो अखरोट के पेड़ थे बगीचे में वो थोड़े लंबे हो गए थे, एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो होप वाइन, जो एक बेल थी जिसको उसने स्वयं लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडो ऑफ टू द रूफ, खिड़की में से होती हुई छत पर चली गई थी, छत पर चढ़ गई थी, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सब को छोड़कर जाने के बारे में उसका दिल कितना टूट रहा होगा, एम एमल का दिल कितना टूट रहा होगा इन सब को छोड़कर जाने में। पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, बेचारे, जो अपनी, उनकी जो सिस्टर है उसकी ऊपर चलने की आवाज़ आ रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने उनके जो बॉक्स थे उनमें सामान पैक करते हुए उनकी आवाज़ आ रही थी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्यों, क्योंकि अगले दिन ही उनको देश को छोड़ना था, अगले दिन ही जाना था, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, परंतु एम हेमल में हर पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लिखाई के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, इतिहास में हमारा एक पाठ था वो पढ़ा, एंड देन द बेबी चेंटेड देयर बा बे बी बो बू, तब जो बच्चे थे उन्होंने अपना पाठ गा करके बोला, बा बे बी बो बू, इसको गा करके बोला, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे, ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, जो बूढ़ा हाउजर था उसने अपने चश्मों को पहन लिया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने उस प्राइमर को, प्राइमर का मतलब जहाँ जो फॉर्मूले लिखे हुए थे, सूत्रों की जो किताब थी, उसको दोनों हाथों में पकड़े हुए, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उनके साथ उस अक्षर वो बोल रहा था, यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और आप इस बात को देख सकते थे या देख सकते हो कि वह भी बुरी तरह से रो रहा था, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, भावनाओं में बह करके उसकी आवाज़ कांप रही थी, एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनना इतना मजाकिया लग रहा था, दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सब भी हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे, आह हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, आह कहता है मुझे यह कितना अच्छा याद हुआ, कितनी अच्छी तरह से याद है वह अंतिम सबक जो उसने दिया था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्टक 12, अचानक चर्च की घंटी ने 12 बजाए, देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रुशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, उसी समय अपने अभ्यास से लौटती हुई जो प्रशियन सेना थी उसके बिगुल, हमारी जो ट्रम्पेट थे, हमारी खिड़की के नीचे बजे। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी से लगभग पीले पड़े हुए, एकदम फीके पड़े हुए कुर्सी से खड़े हो गए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने नहीं देखा था कभी उनको इतना लंबा, अर्थात इससे पहले गौर से नहीं देखा था कभी भी। माई फ्रेंड्स ही सेड, उन्होंने कहा कि मित्रों, दोस्तों सुनो, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, आई कह पाए वो, लेकिन किसी चीज़ ने उनका चौक
गला रोकना, गला रुंधना, किसी चीज़ से उनका गला रुंध गया, उनका गला रोक दिया किसी चीज़ ने, ही कुड नॉट गो ऑन, अर्थात वो कह नहीं पाए, अपनी बात को जारी नहीं रख पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टुक ए पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत, जितनी वो ताकत लगा सकते थे, अपनी पूरी सामर्थ्य को समेटते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने इतने बड़े अक्षरों में लिखा जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे, वीवा ला फ्रांस, इसका मतलब होता है कि अब फ्रांस तो से विदा लेते हैं। देन ही स्टॉप्ड, उसके बाद वो रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपना जो सिर था दीवार से सटा दिया, उससे अपने सिर को टका कर खड़े हो गए, एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ कहे हुए, ही मेड ए जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथ से संकेत दिया, हाथ से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हो गया है, यू मे गो, तुम जा सकते हो। ओके दोस्तों, मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एक ही दिन में हमने इस चैप्टर को पूरे को एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद में हम जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इसी चैप्टर के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, वन बाई वन डिस्कस करेंगे, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, थैंक यू।